Nah. वजीर आलम शाह, सालिमों का जमाना अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम कह सको कि वक्त खत्म हुआ है या नहीं। उस्मान, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा जिंदगी गुजार ली है। मैं अपने मकसद की खातिर लड़ते हुए मरूंगा वजीर आलम शाह। तुम्हारा ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा उस्मान, क्योंकि हम एक ही ख्वाब के पीछे हैं और दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। अरे भाई, सिपाहियों, उस्मान साहब इस तरफ आ जाए। आ जाए सिपाहियों, जल्दी। जाओ, उनके पीछे जाओ और सबको मार दो। जल्दी जल्दी, उस्मान जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्दी करो। उस्मान साहब, जंगजू, मेरे पीछे पीछे आओ। हमारे दोस्तों की मदद काम आ रही है। तुमने जाल बिछा दिया उस्मान। ख्वाबों को हकीकत में बदलना, जब जहन में मंसूबा हो तो फिर दिल तक भी पहुंचता है। तुमने भी हमारे लिए जाल बिछाया, लेकिन हम सब उससे बच गए। ए, शुक्रिया तुर्कुत साहब। आपका भी। हमला करो। उस्मान
से। ये गद्दारी की सजा है कौनूर, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। खुद को मर्द समझते हो इस तरह? जरा मेरे हाथ खोलो, फिर मर्दानगी दिखाता हूं। तुमने रियासत से गद्दारी की है, तुमने बागी उस्मान के साथ भी काम किया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। क्या तुम समझते हो कि मैं इसका मुस्तहिक हूं, या मुझसे डरते हो तुम? अगर जान बचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम क्या समझते हो मुझे धोखा दे दोगे? जानता हूं तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था यहां से चले जाओ। तुम बेवकूफ हो, और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने ना हक का साथ दिया और सच्चाई से मुंह मोड़ा है। बहुत हो गया। एक सिर्फ मेरी ही नहीं, तुमने मेरे कबीले की खवातीन की भी जान लेने की कोशिश की। बहुत खून बहाया तुमने, तुमने खून बहाया मेरी वालिदा का। वैसे उठो ना, इधर। तुमने बहुत जुल्म किया, मेरे बेटे को उसकी मां से अलग किया। मुझे तुम्हारी हर बात याद है। तुमने मारी को अगवा किया था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिसाब से बच सकते हो? मैंने ये सब किया, लेकिन मैं अकेला नहीं था इस सब में। तुम्हारा भाई गुंडूस भी शामिल था। अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे भाई के अंदर कैसे जहर भरा था। मैं जानता हूं उसके इरादे, लेकिन तुम्हारी जान तुम्हारे ही जहर से लूंगा। अगर तुमने मुझे यहां नहीं मारा तो इससे कहीं ज्यादा बुरा करूंगा मैं उस्मान। और
मैं तुम्हारे बच्चे उसकी माँ से नहीं लूंगा। मैं उन्हें दफन कर दूंगा। तुम ये जो कुछ बक रहे हो उस पर मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। लेकिन कुछ और है मेरा मंसूबा। तुम अभी मेरे रहमो करम पे जिंदा रहोगे। क्या तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें मार डालेगा। और नजदीक है वो दिन। उसकी फिक्र मत करो, वो भी मरेगा और तुम मेरा साथ दोगे। इंतजार करें सल्वी खातून, मैं मलहून खातून को जाके बताती हूं। अच्छा तो तुम यहां रहती हो मलहून? सिर्फ एक बच्चे की मां नहीं, तुम तो पूरी रियासत की मां हो। तुम्हारा मकसद हमेशा बुलंद रहा है। कबीले में तुम्हारे ही बेहतरीन खैमे होते थे। तुम तेज तरीन घोड़ों पर सवार हुई हो। लेकिन वक्त अब मेरे हाथ में है। तुम्हें अब मेरे साए में जीना पड़ेगा। तुम देखो कि सरदार की बेटी कौन है मलहून। सल्वी, उस्मान ने अब तक जो कुछ भी किया है उसकी वजह से ये सरजमीन खतरनाक हो गई है। आप फिक्र ना करें, मेरे खिलाफ जो भी खड़ा हुआ वो जरूर मारा जाएगा। उस्मान के कबीले का अच्छी तरह मुशाहिदा करना, कौन किसके करीब है और सबसे अहम बात, असल दुश्मन कौन है, तुम्हें यह मालूम करना है। हमारा यह जानना जरूरी है कि उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं। मलहून इतनी मगरूर खातून है कि उसे नहीं लगता कि उससे कोई नफरत करता है, लेकिन मैं उससे बहुत नफरत करती हूं और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। होशियार रहना, अपने जाती मसाइल को अपने मकसद से तवज्जो ना हटाने देना। हमारे मकसद के लिए तुम्हें वहां जाना होगा, कबीले को देखो और मुझे मालूमात दो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अब मलहून की जिंदगी हमेशा मेरे खंजर पर होगी। वो मुझसे कई ज्यादा दर्दनाक दर्द से गुजरने से पहले नहीं मरेगी। ज्यादा इंतजार ना करवाना बार्गन, मेरे पास वहां हिफाजत से आ जाना। सेल्वी मेरी बहन। मलहून मेरी बहन। खुश आमदेद। आपका शुक्रिया मेरी बहन, ये आपके शायान-ए-शान नहीं है लेकिन
इसे कबूल करें। ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। उमर साहब यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ तुलुए आफ्ताब तक पहुँच जाएंगे और फिर मेरे बाबा आवाज भी यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। हम साथ रहेंगे बहन। सच कह रही हो ना सेल्वी? तो अब मेरे बाबा कहाँ हैं? वो अपने रास्ते पर है, फिक्र ना करें आप। शुक्र खुदा का। खुश आमदेद, खुशी हुई तुम्हें देखकर। उमर साहब मेरे चचा हैं, उनकी बेहतरीन तरीके से मेजबानी करना। उनका खाना दूध और शहद के साथ होना चाहिए। जनाब आपके लिए खाना पक चुका है, शरबत और बिस्तर भी तैयार है। ये सब आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है। ठीक है, तो फिर उन्हें पेश करते हुए कोई गलती ना करना। मेरे ख्याल से उन्हें यहां अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो करीबी होंगे जनाब। जनाब उमर साहब आए हैं। उमर साहब एक अच्छे आदमी हैं। उन्हें महसूस हुआ होगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। उमर साहब, दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम आपका इंतजार कर रहे थे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बारकन। जो कुछ कर रहे हो तुम, उसकी कीमत अदा करोगे उस्मान। मैंने पहले ही सब अदा कर दिया वजीर। अलबत्ता इस दफा तो तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे वजीर। बस तुम इंतजार करो मेरा, ये रस्सी जल्द ही तुम्हारी और गेहातु की गर्दन के गिर्द होगी। पहले तुम्हारी साख छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारी जान लूंगा। जो कुछ तुमने कोनिया के वजीर के साथ किया, कोनिया जरूर तुमसे हिसाब लेगा उस्मान। उन्हें आने तो दो वजीर। उन्हें जो करना है कर ले। उमर साहब, क्या आपने सरहदी जमीनों को याद किया? सच तो यह है कि मैं सरहदी जमीनों को भुला ही नहीं सकता। मैं हर रोज इसके बारे में सोचकर शाद होता था, उसे देखने के लिए तरसता था। मेरे लिए वो मुकद्दस है। ऐ मेरे रब, मुझे वो सरजमीन एक बार फिर से देखना नसीब फरमा। इंशाल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह हम एक दिन अपने हज के फराइज साथ मिलकर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरी भतीजी सेल्वी दिखाई नहीं दे रही। असल में वो चाहती थी कि वहां पहले जाए। मलून खातून को बहुत याद करती थी। माशाअल्लाह, एक तुर्क का दिल उन्हीं रिश्तों के लिए तड़पता है। इंतजार बड़ा दुश्वार है ना? तुम क्या सोचते हो, हमारी इन जमीनों पर आखिर जाने की क्या वजह हो सकती है?
लकड़ी से भी तकरीबन 50 गुना ज्यादा। हम उन काफिरों की लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या इतना काफी है मेरे भाई? सखी बनो, लोहे के साथ सखावत करोगे तो वो काफिरों के परखचे उड़ा देगा। बिल्कुल सही, आग और लोहे दोनों के साथ फयाज बनो। वो अपने जुल्म से पीछे नहीं हटे और अब हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। अब हमारे दिल भी फतह के लिए तड़पते हैं और जमीन पर हमारा गजब सलाब की तरह बहता है। देखना ये आग उन सबको ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगी। हमारी जाने अल्लाह के लिए कुर्बान कुमराल, तमाम मुसलमान मुतहद हो जाएंगे, तमाम तुर्कमान एक हो जाएंगे। एक तरफ दरवेश और दूसरी तरफ हमारी खवातीन, हमारे कबीले के बेहतरीन जंगजू। हम सब एक होकर उन दुश्मनों का खात्मा कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सांस, बेगुनाह की सांस बचाने के लिए वाहिद तरीका है जालिम की सांसें छीन लो। ऐसा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने मुझे आप जैसे जंगजू भाई अता किए हैं। बहुत शुक्रिया। जिनका मकसद एक ही होता है अल्लाह उन्हें आपस में जरूर मिलाता है राशिद। अब हम अपना वादा पूरा करेंगे जो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से किया है। देखना आलम इस्लाम एक होगा। अब तमाम मुसलमान इन जालिमों के खिलाफ एक ही महाज पर खड़े होंगे और इस तरह इस्लाम तेजी से फैलेगा। हम कलमा तैयबा को पूरी दुनिया में फैला के रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब जालिमों के घुटने टेकने का वक्त आ गया है, उनको दबाने का वक्त आ गया है। दाऊद उस्ताद, हम अल्लाह की रस्सी को थाम कर उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं देंगे। ए ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कभी मुंतशिर नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, ये तकरीबन खत्म हो गया है। राशिद जाओ, घोड़े तैयार करो, हम उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं। हम उन दुश्मनों को नेस्त और नबूद करने जा रहे हैं कुमराल। अल्लाह 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 अल्लाह। शुक्रिया। जो चीज सरहदों को अहम बनाती है वो है अंदरूनी जमीनों की सूरत हाल। जब तक अफरा तफरी रहेगी तुर्कों की उम्मीदों का दरिया मगरिब की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन लेकिन क्या? ये दरिया ख्वाब के साथ बहता है। जिन जमीनों पर दरिया बहता है वहां वफा नहीं खिलती। वफादारी का निजाम हुक्म है और वफादारी निजाम के साथ खिलती है और फिर ये देखते ही देखते सरदार के साथ बढ़ती ही जाती है। वो सरदार जो रहनुमाई करता है। उमर साहब, जब आप सरहदों को देखते हैं तो हुक्म कायम करना आसान लगता है। दरहकीकत रियासत का कायम भी आसान लगता है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं। तुम कह रहे हो कि उस्मान साहब ख्वाब के दरिया पर खड़े हैं और पानी पी रहे हैं, है ना? मगर प्यास बुझ नहीं पा रही। ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही है ना उस्मान साहब? तुम हमें बताओ आजान, उस्मान साहब ने क्या किया? उस्मान साहब ने उन सरहदों को हमारी जमीन में बदल दिया। उनका मकसद हमारा मकसद है और जो पानी वो पीते हैं वो हकीकत में दरिया का है। बहुत शुक्रिया। वो काई कबीले से है, वो काफी अरसे मेरे साथ रहा है, मिलकर जंगें लड़ी हैं हमने। तुम जल्द ही उमर चाचा से मिलोगी, वो मुकद्दस सरजमीनों की बात करते रहते हैं। चीजें तरतीब देने के बाद उनका कहना है कि काबा की ज़ियारत के लिए भी जाएंगे। हाँ हाँ,
उन मुकद्दस जमीनों को कौन नहीं देखना चाहता। हमारा रब हम सबको देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह। मलून खातून, क्या आप ठीक हैं? आप बीमार तो नहीं? ठीक हूँ आयशा खातून, ठीक हूँ। आपने बाबा का बताया तो मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हुई। ये सिर्फ हौसला अफजाई के लिए है। उमर साहब पूरे रास्ते में आपकी और उस्मान साहब की तारीफें करते रहे हैं कि आप दोनों कितने बहादुर हैं। खास तौर पर वो कहते हैं कि अगर मरने से पहले एक दफा औरहान को भी देख लूं। अल्लाह ना करे, लेकिन वो इसे जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जाओ बेटी। बाला, क्या सब खैरियत तो है बेटी? तुम अपने खेमे से इतनी जल्दी क्यों आ गई? आपसे मिलने आ गई। कोई सारा दिन अकेले कैसे गुजार सकता है? मैंने अच्छा किया ना? खुश आमदीद सेल्वी खातून। शुक्रिया बाला खातून। बैठो बाला। मैंने आपकी शोहरत और आपके हुस्न के बारे में बहुत सुना है। माशाल्लाह, मैंने जितना सुना अब उससे ज्यादा खूबसूरत है। मलहून ने मुझे बताया कि औरहान का एक और भाई भी है। आपका खानदान बड़ा और नाम बुलंद हो, आपका कबीला खुश रहे और ये लंबी उम्र पाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी भी उम्र दराज हो सेल्वी खातून। अल्लाह की हिकमत देखें, आपने एक वक्त तक इंतजार किया लेकिन आपकी औलाद नहीं हुई। तुम अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठा सकती बेटी। तुम कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हारा मंगेतर कौन है, कहां से ताल्लुक है, तुम्हारे बाबा ने किसको तुम्हारे काबिल समझा है, जरा बताओ तो, और क्या तुम उनके फैसले से राजी हो? बारकन साहब हमारे कबीले से हैं सलजान खातून। वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही रहमदिल इंसान है। उन्हें कबीला पसंद करता है। उनकी बहादुरी और रहमदिली देखकर बाबा फौरन कायल हो गए हमारे रिश्ते के लिए। वफादारी तब आती है जब उस्मान जैसे सरदार हुकूमत करते हैं, तो वहां वफा और रियासत ठीक से कायम होती है। गलत! सबको मार दो। ये मेरा हुक्म है। एक रूह के लिए मुस्तकबिल में क्या होता है? डर। तुम्हें डरने की जरूरत है। ओके बास, अफसोस कि मैंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाया। आप इन सरजमीनों के सबसे अजीम तेगफूरों में से एक हैं। आया निकोला, बहुत मायूस दिखाई दे रहे हो मुझे। तुम दोस्त हो या कोई दगाबाज हो जो के मेरा दोस्त होने का दिखावा कर रहा हो? तुम्हारे दिमाग की गंदगी साफ दिखाई दे रही है मुझे। अगर हो सके तो तुम भी इस बात को जान लो, मैंने तुम्हारे साथ और उस्मान के साथ जो इत्तेहाद किया उससे खुश हूं मैं। एक बात बोलूं निकोला, मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी शैतान को देख रहा हूं। ठीक कहा कोसिस, अगर ये शैतान ना हो और हमें तंग ना करे तो हमें मजा कैसे आएगा? जंग का मजा खराब हो जाता है। ठीक कहा ना, मुझे नहीं लगता कि उस्मान तुम्हारी तरह मुंतसिब है, लेकिन बरसों की दुश्मनी के बाद भी मुझे लगता है कि
मेरे साथ होने पर उस्मान खुश है और मुझ पर भरोसा कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक कहा ना? क्या बात है खुदेद मादी की, वाह निकोला, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे इत्माद की। उस्मान साहब तुम पर उतना ही एतमाद करते हैं जितना कि तुम उन पर करते हो निकोला। ना तो प्यार और ना ही नफरत। हाँ, हर कोई सैम्यूल नहीं है जो कि हमारे मुखालफीन के साथ होते हुए भी हमारा वफादार रहे। माफी चाहता हूं तैकफुर कोसिस, उस्मान साहब ने पैगाम भेजा है। आने दो उसे। उस्मान साहब का सिपाही आया है जनाब, उन्होंने आपको कबीले में मधु किया है। तैकफुर निकोलो को भी बुलाया है आपके साथ। मुझे ये तो अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। ठीक कहा ना अजीज दोस्त? सोच कर दोस्त बोला करो। घोड़े तैयार करवाए जाएं, उस्मान साहब इंतजार कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वजीर आलम शाह ने उस्मान साहब को पकड़ लिया। क्या तू काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था? वो उस्मान को आसानी से मरने नहीं देगा। वफादारी खौफ से शुरू होती है और हुक्म से बढ़ती है। मैं सरहदों में दहशत फैलाऊंगा। इस तरह तुम सिर्फ बुजदिलों में खौफ फैलाओगे। मैं एक जंगजू हूं, क्या तुम नहीं जानते कि जंगजू कभी मरने से नहीं डरता? हमला करो बारकन, मार दो मुझे। खौफ से तुम जिंदा रहते हो उमर। डरने वाले जिंदा रहने के लिए सब कुछ करेंगे। देखो वो कितने खौफजदा हैं। हो सकता है कि अगर वो परेशान न होते तो बच जाते। मेरी बहन, क्या कबीले में कोई मसला है? हर जगह सिपाही हैं, और जब मैं आई तो मेरे सामान की भी तलाशी ली उन्होंने। हमारा कबीला चौकन्ना रहता है मेरी बच्ची, और कांटों के बगैर गुलाब नहीं खिल सकता है, और वैसे भी इन सरजमीनों में तकफूरों और मंगोलों से मोहतात रहना पड़ता है। और एक वजीर आलम शाह भी है जो कबीलों को लड़ाना चाहता था। शुक्र है कि आप सही वक्त पर आ गई सेल्वी खातून। उस्मान साहब उनके किए का हिसाब ही लेने गए हैं। और तुम्हारे सरजमीन के क्या हाल हैं? और आपके पास कितने खेमे हैं?
हमारे पास 500 खेमे हैं सलजान खातून, और हमारे पास 1000 घुड़सवार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, सबकी जमीनें वही हैं और लोग डरते भी हैं। सरहदों को बहादुरों की जरूरत होती है, और हमें आप जैसी बहादुर खातून की जरूरत है। एवाज साहब की आमद तमाम तुर्कमानों को इंशाल्लाह मजबूत करेगी। इंशाल्लाह। बारकन साहब, तमाम कैजल सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया है। कुछ अपने सिपाही भी थे जिन्होंने नाफरमानी की। जो मेरी नाफरमानी करते हैं वो मेरे सिपाही नहीं है। मेरे सिपाहियों को क्यों मारा तुमने? सिपाहियों को भूल जाओ और अपनी फिक्र करो तुम। उमर साहब एक बहादुर आदमी है, क्या तुमने देखा मैंने इन मुगल कुत्तों को कैसे काटा? तुम गद्दार हो। मेरे सिपाही तुमने शहीद किए। सिपाही तुमने सुना इसने क्या कहा हसामुद्दीन? इसने कहा मेरी बेटी मलहून, उसे इनका सलाम भेजना। हाँ? और हान, क्या तुमने अपने प्यारे नवासे और हान को पहले कभी भी नहीं देखा था? इनका कहना है कि मेरे लिए और हान को गले लगाओ, उसकी खुशबू महसूस करो। यकीनन उमर साहब, मैं आपके नवासे को गले लगाऊंगा, मजबूती से गले लगाऊंगा, मजबूती से गले लगाऊंगा मैं उसे, मजबूती से गले लगाऊंगा मैं उसे। मेरे बाबा एवाज साहब की किस्मत भी आपकी तरह थी। चलो
उमर, इवाज, उस्मान, वो सब निजाम और इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इत्तेहाद अफरा तफरी से आता है। मैं सरहदों को जला दूंगा, मैं उन सब के इत्तेहाद को तोड़ कर रख दूंगा और उन लोगों को मेरी खिदमत करनी ही होगी। हम कमजोर नहीं हैं जो अपना मुस्तकबिल ख्वाब देखने वालों को मुंतखब करने दें। मैं खौफ से हुकूमत करूंगा और ताकत के साथ रहनुमाई करूंगा। मेरे भाइयों, इवास का भी वही हाल होगा जो उमर का हुआ है, उस्मान का भी। बारगन साहब जिंदाबाद, 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 बारगन साहब जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, ये जगह अब हमारी जगह है, इसे अपने सरदार के लिए तैयार करो। तुम क्या कर रहे हो? हम इस जगह को उड़ा देंगे। आखिरकार तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए, अब तुम सबसे ज्यादा तकलीफ दे मौत मरोगे उस्मान। ये याद रखना, दर्दनाक अजाब होगा आखिरत में क्या तो। तुम्हारी चमड़ी उतारूंगा, तुम्हारे जिस्म का हर टुकड़ा दूसरे सारे बागी सरदारों के लिए एक सबक होगा और वो मेरी बात मानेंगे। लेकिन आई हुंदूस की गद्दारी और तुम्हारा मर जाना आई कबीले को फना कर देगा। मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। गुंदूस भाई ने वो जहर निकाल दिया है खुद से, अब करके देख लो जो करना है तुमने। हम में से चाहे कोई भी जिंदा ना रहे, इस्लाम का झंडा सरबुलंद करने वाले बहुत से आ जाएंगे, लेकिन उस वजीर और तुमने जो चाले चली उसका हिसाब दिए बगैर तुम नहीं मरोगे। मैं अपने हाथों से जान लूंगा तुम्हारी। तुम तो बहुत जिद्दी हो, इस हालत में भी जिद कर रहे हो। तुम और तुम्हारे बाद जो भी काई का परचम बुलंद करेगा तो उसे इसी तरह मैं अपने हाथों से मारूंगा। मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगा उस्मान। हम हजरत बिलाल हबशी की तरह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, चाहे तुम्हारा जुल्म अर्श तक ही क्यों ना बढ़ जाए, हरगिज काफी नहीं होगा हमारे लिए। हक अल्लाह, हक अल्लाह। ये हाथों अब तू मेरे पास है, तुम्हें और वजीर आलम शाह को पिंजरे में डालूंगा मैं। अगर तुमने मुझे मारा तो अर्गून आ जाएगा,
और फिर उसके बाद यहाँ आई एक भी तुर्क और एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। ना सिर्फ फारगुन खान, अब चाहे कुबिलाय खान भी आ जाए तो वो भी तुम्हें मेरे हाथ से अब नहीं बचा पाएगा। सिपाहियों फौरन दफन कर दो इन्हें और जख्मियों को गिरफ्तार कर लो। अपने घोड़े और हथियार बांट लेना आपस में। रुक जाओ, तुम मेरे पास सबसे बेहतरीन तीरंदाज हो। इससे पहले कि दुश्मन एक तीर चलाए तुम उन पर तीर चलाओगे, लेकिन क्या तुम्हारी जबान भी तुम्हारी कमान की तरह सख्त है? तुम मेरे राज जानते हो, ऐसा ही है ना? जी हां जनाब। ये बुरी बात है, बुरी बात है। मेरे राज तुम्हारे संभालने के लिए बहुत ज्यादा भारी हैं। तुम्हें मालूम नहीं होना चाहिए था, नहीं मालूम होना चाहिए था तुम्हें, नहीं मालूम होना चाहिए था तुम्हें, नहीं मालूम होना चाहिए था। अब जो कुछ भी तुम जानते हो तुम्हारे साथ इस कब्र में जाएगा। वो भेड़िया जो पूरे रेवड़ पर खुद ही हमला कर सकता है, तुम मुझे बताओ कि मेरा मकसद क्या है? कायमशुदा निजाम को तबाह करना है जनाब। जो मेरे मकसद को जानता है वो मेरा राज भी जानता है। कहा था मैंने मेरा राज भारी है। मेरे जनाब का घर उसी तरफ है और मेरे भाइयों का खैमा इस तरफ है। इस तरह खाने का खैमा दूर होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, लेकिन अगर ये किसी को पता चल गया तो अल्लाह अल्लाह। जरकुताए, तुम यहाँ इधर उधर पागलों की तरह क्यों घूम रहे हो? तुम जख्मी हो इसीलिए यहाँ रुके हो, लगता है तुम भूल गए हो ये। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता खातून, कसम ले लो। मैं सोच रहा हूँ कि अपना और तुम्हारा खैमा कहाँ बनाऊँ। जब मैं फैसला करूँगा तो तुम्हें बताऊँगा, ठीक है ना? इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम कहीं भी बना सकते हो। अरे मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तुम, ये बहुत ही अहम मामला है। हाँ मुझे थोड़ा सोचने दो। वो जगह, इसके बारे में इतना मत सोचो, अपनी आंखें बंद करो और तीर चला दो। जहां तीर जाएगा वहीं खैमा बनेगा। क्या वाकई में? चलाओ भी। सोचने दो ना इस बारे में। ठीक है तुम सोचते रहो।
तो बस यही चाहता था कि तुम तीर चलाओ। हाँ ठीक है, तो अब तुम घर बनाओ, मैं मलहून खातून और कुछ मेहमानों के साथ जाऊंगी, कुछ जरूरी काम है, चलती हूँ। ठीक है। रुको, पागल लड़की मेरी बात सुनो, मैं ये सब कुछ अकेला कैसे करूंगा बताओ मुझे। अरे रुको तो मेरी बात तो सुन लो, क्या मैं अकेला बनाऊं घर? सही कहते थे लोग, शादी करके बहुत मजा आएगा चरकुता है। क्या तुम जानते हो कि इन लोगों के पास एक हुनर था? तुम किस चीज पर फख्र करते हो? मेरी वफादारी के साथ। मैं अपनी वफादारी पर फख्र करता हूं। और ये लोग यहां क्यों मारे गए हैं? आपने इन्हें ये समझने के लिए मारा कि मेरी वफादारी आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। वो जंगजू जो बरसों से मेरे शाना बशाना लड़े, शायद वो मुझे कभी बेचने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने उनको तुम्हारे लिए मार डाला। हो सकता है कि तुम वफादार हो, मत भूलना कि क्या होगा जब तुम इसके बरक्स करोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शोहर को शहीद किया। हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आप इसको इस हालत में यहाँ लेकर आए, आप इनको हमारे हवाले कर दे हुजूर। हक के रास्ते पर चलने वालों का फर्ज है ये। सलामत रहिए। Usman Sahab, Zindabad! Usman Sahab, Zindabad! Usman
साहब ने क्या किया? उन्होंने अपनी तलवार से इंसाफ किया। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने मासूम लोगों का बदला लिया। उस्मान साहब ने और क्या किया? उन्होंने अपने दुश्मनों को इबरत सजा दी। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने हर लड़ाई का डट के सामना किया। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने मेरे सरदार माशाल्लाह। खाई के रहने वालों, वादा हमने किया था जो वो वफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्कों के लिए मुसीबतें लाने वाले बदजात ये हैं दोनों। हर किसी के सामने है इनका हाल। इनमें से एक बाहर का है और दूसरा बाहर से नहीं हम में से ही है। लेकिन भाई इंसाफ और मेरी तलवार के नीचे हैं आप ये दोनों। इस मंगोल के हाथों और वजीर आलम शाह को मेरे खेमे में लेकर आओ फौरन। इससे पहले कि ये दोनों अपनी आखिरी सांसें लें, इनको बताने के लिए कुछ है मेरे पास। कोई फिक्र मत करें, ये दोनों इतनी आसान मौत नहीं मरेंगे। अब हमें इनसे पूछगिछ करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वजीर आलम शाह अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है। उस तक भी पहुंचना जरूरी है। उसके बाद इन दोनों का सर तन से जुदा किया जाएगा। जब गेहातू मर जाएगा तो तुर्कमान कबाइल ये खबर सुनते ही सैलाब की तरह यहां दौड़े चले आएंगे। तो उस वक्त सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली रियासत कायम होगी और उसका आगाज इस कबीले से किया जाएगा। सलजान अम्मा जल्दी चलें, उन्हें आपकी जरूरत है। सब खैरियत तो है? अरहान को तेज बुखार है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? बाला, तुम्हारा अलाउद्दीन के पास रुकना बेहतर है। सेल्वी, बाला का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, उसे अकेला नहीं छोड़ना। जाओ उसके साथ।
सरदार सिर्फ अपना फर्ज अदा करता है और वो फर्ज अपनी जमीनों की हिफाजत करना होता है। जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने दुश्मनों से निडर होकर लड़ता है, तुम्हारी तरह अपने सुल्तान से गद्दारी नहीं करता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है उस्मान, अब मौत ही तुम्हारी निजात होगी। मैं तुम्हें इस सलजोक की सरजमीन पर रहने नहीं दूंगा। तुम्हें रुसवा कर दूंगा, मैं ये जमीन तंग कर दूंगा और फिर मौत को तरसोगे तुम उस्मान। पूरा काई कबीला तुम्हारी मौत से इबरत और सबक हासिल करेगा उस्मान, देखना। अगर तुम गद्दार नहीं तो शहंशाह के साथ क्यों हो? मैं आ रहा हूं उस्मान, आ रहा हूं। तुम्हें अपने किए का हिसाब जल्द देना होगा। मेरे और हान बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो जल रहे हो बुखार में। आजा, आजा मेरे पास। मेरे मासूम से बच्चे को बुखार हो गया। मेरा औरहान। मलहून, औरहान ठीक तो है ना? अम्मा, मेरा बेटा बुखार में जल रहा है। ये कैसे ठीक होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बच्चा, बस चुप हो जाओ। हम क्या करेंगे? इसे तो तेज बुखार है। आला जा, जाओ मेरे लिए सिरके के साथ पानी लाओ, जल्दी करो। आला जा, जल्दी करो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा औरहान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ले क्या? अम्मा, बुखार उतर जाएगा ना? ये बच्चा है, इसे बुखार होना मामूल की बात है। मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगे, रोना नहीं। अम्मा मेरे बेटे को ठीक कर देंगी। अल्लाह शिफा देने वाला है, तू ही शाफी है। ये सब काफी नहीं है। आयशा, कुछ गर्म पानी तैयार करो, चलो औरान को नहलाते हैं हम लोग। ठीक है। बस बस बस, मेरा बच्चा ठीक हो जाओगे। चलो इसके कपड़े उतार। बहुत अच्छा काम किया बारकन, सरहदों को एक मसले से तो निजात मिल गई है और अब एवाज की बारी है। क्या ये काफी नहीं है? ये तुम क्या कर रहे हो अहमद? क्या तुम मुझसे डरते हो गंगूर? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम्हें डरना चाहिए। तुम इसकी कीमत जरूर अदा करोगे बारकन। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, हालांकि तुमने मेरी बेइज्जती की है। तुम मुझे चंद सिपाहियों के लिए अदायगी करोगे? किस बेइज्जती की बात कर रहे हो? क्या इन चंद सिक्कों के लिए मैंने उमर को कत्ल किया? तुम मुझे कभी नहीं खरीद सकते, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। तुम डरते हो। वजीर आलम शाह और अपने भाई को मेरा सलाम भेजना, मैं जल्द अज जल्द उनसे मुलाकात जरूर करूंगा। और जो कुछ भी हुआ है ये हमारे दरमियान रहेगा गंगूर।
तुम इतने बुजदिल होके जर्रा के बगैर चल भी नहीं सकते। इतना खौफ किस चीज का है? अब तुम्हारी गंदी रूह तुम्हारे गंदे जिस्म को छोड़ देगी। के हाथ हो आ, जिस आदमी के साथ तुमने तावुन किया उसकी बुजदिली देख रहे हो तुम? हा, उस्मान तो बहरहाल मरेगा कुंदूस, और तुम्हें अपनी गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्र है अल्लाह का कि मैंने अपनी गलतियों का अजाला कर लिया है, लेकिन तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं मिलेगा वजीर। जो करना चाहते हो करो उस्मान, चाहो तो मार डालो या फिर मुजाकरात करो, पर जल्दी करो। ये मैं नहीं करूंगा, ये निकोला शायद करेगा। तुम दोनों को आईना दिखाने के लिए निकोला यहां आया है। एहसास की बात है, वजीर आलम शाह वाकई एक मजाक खेज इंसान है। आह के हाथों, अकलमंद के हाथों, मुझे उम्मीद है कि तुमने वो बातें सुनी होंगी जो वजीर आलम शाह ने तुम्हारे बारे में बताई हैं हमें। ये वजीर मेरे अपने कले में आया और कहा कि निकोला मैं उस वैशी की हाथों को उसी की जमीन में दफन कर दूंगा, और कहा कि तमाम तेख फूलों को जमा करके उसे उसकी सरजमीन से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दूंगा। जानते हो, खामोश हो जाओ निकोला, अपने झूठ से ज्ञातों को सैर देना बंद करो। वजीर आलम शाह, शैतान को उसका हक दो, मैं झूठ बोलने में माहिर हूं जानता हूं, लेकिन यह सच है कि वजीर आलम शाह ने तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब ये कि आखिर तुम ऐसा इत्तेहाद कैसे बना सकते हो और उसे इतनी देर तक कैसे छुपा सकते हो? ठीक कहा ना, ख्वाहिश थी मेरी एक मुनसिफाना निजाम की। मैं जमीनों पर इस्तेकाम लाना चाहता था, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास इसकी ताकत नहीं है। मैं ये करना चाहता था अच्छे बुरे किसी भी तरीके से, मेरी बस यही ख्वाहिश थी। वजीर, वजीर, तुम वो अनाड़ी हकीम हो जो जान ले लेता है। तुम्हें ताकत पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत छीन चुका। अब ऐसा है कि
जिंदा रहने की भीख मांग रहे हो तुम यहां, लेकिन मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगा वसीर। आलम शाह, याद है तुमने कहा था वही लोग जो घुटने टेकना जानते हैं इस नए निजाम में जिंदा रहेंगे। अपनी हालत देखो। तुम इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले थे गुंदूस, लेकिन अब तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए एक छोटा सा खैमा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे कबीले को तबाह करने वाला हूं। मेरा भाई और निकोला फायदा उठाने वाले थे। हाँ, और उस बारूद का क्या जो तुम दीवारों को तबाह करने के लिए लेकर आए थे यहां? उसे हासिल करने के बाद तकफूरों से तुम छुटकारा हासिल करना चाहते थे। उस्मान, फैसला जल्दी करो, अपनी तलवार निकालो और मेरा और इसका सर कलम करो, जल्दी। ओ, गया तू। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। उससे पहले इस वजीर के बनाए हुए मंसूबों के बारे में तुम्हारा जानना जरूरी है। जरा सुन तो लो कि उसने क्या क्या सोच कर रखा हुआ था। बहुत अजियत दी तुमने लोगों को, अजियत के बगैर तुम भी नहीं मरोगे। आखिर किसने जहर दिया था तुम्हारे सिपाहियों को? किसने हमला किया था? सोचो जरा। तुम नहीं तो कौन था वो उस्मान? शुक्र अल्लाह का कि अभी पुरसकून है। देखो तो दूध पीकर सुकून से सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, रो रो के थक गया था, अब सुकून से सो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बहादुर बच्चा। आयशा, बिस्मिल्लाह, चलते हैं बेटा। अम्मा, आयशा खातून, दोनों का शुक्रिया। तुम भी जरा अपने बच्चे के साथ आराम कर लो, ठीक है? कितने आराम से सो रहा है मेरा प्यारा बेटा। आरहान, तुमने तो मुझे आज डरा ही दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए मेरे बेटे। थोड़ा और इंतजार करो, तुम्हारे नाना आने वाले हैं। बीमार होने की वजह तो नहीं कि तुम्हारे नाना आ रहे हैं? वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मेरे बाबा उमर साहब, एक भेड़िए जैसे बहादुर आदमी उमर साहब,
बहुत से गीदड़ों ने आपके नाना पर दांत बेवस्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके तमाम दांत तोड़ दिए। कुछ लोगों ने आपके बाबा और आपके नाना के दरमियान फूट डालने की कोशिश की, पर उनकी साजिश नाकाम हो गई। आपके नाना बहुत अजीम इंसान है। जिसने तुम्हारे सिपाहियों को जहर दिया, आलम शाह के लिए वो काम करता है। तुम वहां आए थे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैसे? बताओ मुझे। हटाओ इन्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस्ती के बाहर ले जाओ इन्हें। और वजीर, इंतजार करो अपनी मौत का, और के हाथों से मैं अकेले में बात करूंगा। मैंने दोनों को खिलाफ कर दिया है एक दूसरे के, और ये अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को नोच डालेंगे। आखिरकार जीत हमारी हुई। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम कह रहे हो कि जीत तुम्हारी हुई? निकोला, अगर तुम्हारा मतलब जंग है तो मैं ताकत जमा करने के लिए पीछे हट गया था, और वैसे भी मैंने तुमसे थोड़ा ज्यादा हिस्सा ही डाला है, लेकिन फिर भी शहंशाह के खिलाफ मेरी हिफाजत करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। उस्मान साहब, हमारे साथ जो होगा उसकी हिफाजत होगी। निकोला, खतरा टल चुका है, उससे कह देना। हां, अलबत्ता एक तुर्क सरदार उसके पास जरूर पहुंचने वाला है। वजीर आलम शाह के हाथों उस्मान के सारे दुश्मन एक एक करके मर रहे हैं। कोशिश, ये सब तो मुझे पता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या वाकई यही सच है कोशिश? उस्मान ने हमें इस्तेमाल किया और अपने सारे दुश्मनों को पकड़ लिया। अब किसकी बारी है कोशिश, ये तो तुम भी जानते हो। अब हमारी बारी है। पहले वो हमारे कुलों को निशाना बनाएगा और उसके बाद हम पर हमला करेगा।
अगर मैं ये सब उस्मान साहब को बता दूं कि तुम ये कह रहे हो मुझसे, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा और फिर मैं खुशी से अपने कले चला जाऊं वापस। तीर एक निशाने तो चलो मुझे बताओ क्या तू? तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूंगा उस्मान? ये तो मैं काफी दफा सुन चुका हूं, वो कुछ और है जो सुनना चाहता हूं मैं। आर्गुन खान। आर्गुन तुम्हें मार देगा उस्मान। तुम इस छोटी सी जमीन की हिफाजत करना चाहते हो, लेकिन तमाम कबाइल राख हो जाएंगे। आर्गुन खान ने गारपा और फ्रांक को भी पैगाम भिजवाया है, अब बताओ मकसद क्या है इसका? कुछ गलत है, कोई राज है? बताओ, तुम तुर्कों और मुसलमानों से बहुत ज्यादा खौफ खाते हो, शायद तुम सब इसीलिए ईसाइयों के साथ काम करने पर आमादा हो जाते हो, और वैसे भी इतने ताकतवर हो नहीं जितना तुमने समझ रखा है। तुम ये जमीनें हासिल कर सकते हो, लेकिन दुनिया को जीतने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत होती है। तुम शहंशाह और तैकफूरों के साथ क्यों काम करते हो? क्योंकि तुम छोटे हो, छोटे लोगों के साथ काम करते हो। मंगोल बहुत बड़े हैं उस्मान। ओ, तो तभी तुम आलमशाह के साथ काम कर रहे थे? हाँ, तुम तो ये भी नहीं जानते कि इत्तेहाद किससे करना है। उसे जिंदगी से बहुत प्यार है, जल्द या बदेर वो हर चीज उगल देगा। वजीर छोटा है, उसकी सोच भी छोटी है। उसने मुझे धोखा दिया। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। मैं मंगोल हूं उस्मान। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कितना अजीम हूं उस्मान। बहुत बड़े हो तो क्या तुम इसीलिए मेरे कैदी बन गए हो? या ये कहानी मैं अपने बच्चों को नसीहत के तौर पे सुनाऊंगा कि वो बड़े ना बनेंगे हाथों की तरह, क्योंकि सबसे बड़ी जात तो अल्लाह पाक की है। अल्लाह का तुम्हें पता भी है कि हाथों खुद को तो अजीम कहते हो, लेकिन जिनको तुमने छोटा गर्दान रखा है आसानी से मार सकते हैं तुम्हें। मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। गीदड़ भेड़ियों को हरगिज नहीं मार सकते। जब चंगेज के पोते को मालूम होगा कि क्या तू मर गया है तो वो तुम्हारी सोच से भी पहले आ जाएगा और सब कुछ जला के राख कर देगा। वक्त आने पर देखेंगे। तुम देखोगे कि कुत्ता कौन है और भेड़िया कौन है। जरूर देखेंगे, देखेंगे जब तुम्हारा कबीला चल जाएगा।
तो तुम अपने किए पर पछताओगे, बहुत पछताओगे अपने किए पर। सुना तुमने, पछताओगे उस्मान, पछताओगे। आ जाओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। जरकुता है मेरे भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? खाओ मेरे प्यारे जरकुता है। हाँ, कुछ हमारे लिए भी छोड़ो भाई। किस्मत में होगा तो तुम्हें मिलेगा, मुझे तो मिल गया। ये कैसी बातें कर रहे हो जरकुताए? क्या आईगुल खाना नहीं बनाती? भाइयों, शादी शादी की तैयारियों से ज्यादा मुश्किल है। रुको रुको, बात सुनो मेरी, और बहुत गौर से सुननी है ये बात। सुन रहे हो ना? देखो, गलत नहीं समझना मुझे, अपने खाने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि आइकुल खातून बहुत ही भूखी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो चलता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम सिपाहियों। वालेकुम सलाम आका दरवेश। जरकुता है, उसे रोकने की कोशिश की मैंने पर वो रुका नहीं। सब खैरियत तो है? उसके बड़े मसाइल हैं आका दरवेश, बहुत बड़े। ये क्या है? गुंदू साहब ने भेजा है, गिहातू की तरफ से माले गनीमत है ये। तुम सब ने बहादुरी से मुकाबला किया, ये सब तुमने अपनी तलवारों से कमाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तुम कभी भी मत भूलना, ठीक है? खुश आमदेद उस्मान साहब। औरहान बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। मैं बहुत घबरा गई थी उस्मान, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अगर सलजान अब मना होती। फिक्र नहीं करो मलहून, जो होना था हो गया। बात यह है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। कुमराल अब्दाल ने भी कहा था कि हमारा बेटा यूं ही बड़ा होगा। शुक्र है। और जो इसका बुखार है वो इसके जिस्म से नहीं निकलता है, वो तो इसके दिल से निकलता है। ये एक ताकतवर सिपाही बनेगा, बिल्कुल अपने बाबा और नाना की तरह। ये भी आप दोनों की तरह सरदार बनेगा। ओ देखो, तलवार थाम ली है इसने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नवासों को सूंघते थे तो जन्नत की खुशबू आती थी उनमें। ये प्यारे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं। जी बहुत मासूम होते हैं ये। शुक्र करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अदा की बाबा। शुक्र है मेरे खुदा का।
अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, मेरा नवासा अलाउद्दीन अली अभी जरखेज मट्टी की तरह है। जो भी इसमें बीज लगाओगी बेटा, याद रखना उसी बीज का फल तना और दरख्त बनेगा। इसका मकसद सीधा रास्ता होगा, इल्म हिकमत इसके दो मुआविन होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और ये उस रास्ते पर अकेला नहीं होगा, इसका बड़ा भाई औरहान शाना बशाना रहेगा हमेशा इसके। अरे हाँ, प्यारा औरहान कैसा है? खुदा का शुक्र है उसका बुखार उतर गया है, उसने तो हमें डरा दिया था लेकिन अब ठीक है। खुदा का शुक्र है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलून खातून? आ जाओ आला जा। और हां ठीक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का इसका बुखार उतर गया है। शुक्र है अल्लाह का। क्या मेरे बाबा की कोई खबर आई? नहीं मलून खातून, लेकिन जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तुम अभी और हां के साथ ही रहना, हो सकता है दोबारा बुखार चढ़ जाए। शुक्र है तुम्हारे नाना आ गए हैं और हां, अल्लाह का शुक्र है। अरे देखो सर कौन आ रहा है। कौन लोग हैं? नहीं पता लेकिन चलो देखते हैं। चलो चलो आओ चलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे आपको ऐसे देखना था, आपने कहा था कि मैं अपने नवासे को गोद में लूंगा बाबा। बाबा
बारकन, मेरे चाचा को क्या हुआ है? बारकन, ये किसने किया है? आखिर मेरे चाचा को किसने मारा है? बारकन बोलो, बारकन जवाब दो, किसने किया है ये सब? क्या हुआ है बताओ, किसकी हिम्मत है? बोलो, बताओ किसने किया है? हम पर हमला हुआ आसमान साहब, मंगोलों ने हमला किया, हम उन्हें शिकस्त दे सकते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि आप मैदान जंग में लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाएं। आपकी दुआ कबूल हो गई बाबा, देखे आपकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह आपकी शहादत कबूल फरमाए। मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आप इनके लिए दुआ करें मलहून खातून, अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मलहून खातून, हम दुआ करेंगे कि इनके दर्जात बुलंद हो। आमीन। चुप हो जाए, मत रोए, शहीदों के लिए रोया नहीं जाता। मेरे बाबा मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनकी उम्र भर की दुआ कबूल हो गई, आप में से कोई नहीं रोएगा। उन दोनों कुत्तों को बाहर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूं, चलो भाई सुंगर, चलो। बाबा को अंदर ले जाओ। कोई हक नहीं, मैं छोटी हो गई।
तुम दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल न कर सके। तुम्हारा जुल्म सितम पूरी दुनिया तक फैल गया। कितने ही मजलूम और कितने ही सिपाही अपनी जान से गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है अगर तुमने मुझे मारा तो आर्गुन खान तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी बरी नहीं होगे उस्मान। जानता हूं तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन बेवकूफी मत करना। तो अब क्या करोगे उस्मान? सुल्तान के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें मार सको। नहीं मार सकते हो। मसूद तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। तुम्हें हमें पहले ही मार देना चाहिए था उस्मान। मेरे सुल्तान, ये सब क्या हो रहा है उस्मान? क्या ये काफी नहीं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, और अब तुम मेरे साथी गेहातु को भी जान से मारना चाहते हो? क्या तुम रियासत के वजीर आलम शाह को मारने जा रहे हो? क्या तुम्हारी बगावत की कोई हद भी है उस्मान? सुल्तान मसूद, जरा गौर से सुनिए। इन दोनों कुत्तों के लिए काम करने वाले गद्दार ने आप पर वार किया और मैंने आपको उससे आगाह कर दिया था। ये दोनों कुत्ते सिर्फ आपकी पीठ पे वार करने के लिए साथ दे रहे थे सुल्तान।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन सब बातों का कोई भी असर नहीं हुआ आप पर। जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर यकीन करूं या फिर तुम्हारे झूठ पर, मुझे इसका जवाब चाहिए उस्मान। तुमने शहंशाह के साथ मुआहदा भी कर लिया और तकफुरों के साथ मिल गए, सुल्तान मसूद। सच बहुत हुआ, तुम के हाथों और वजीर को जाने दोगे और तुम्हारे खिलाफ दुनिया में कार्रवाई की जाएगी। सुल्तान, हकीकत देखने वाली आंखें चूंकि बंद हो गई थी इसलिए बहुत से मासूमों की जानें जाया हो गई। अंधी आंखें अब जरूर खुलेंगे, अब सिर्फ जालिमों का खून बहाया जाएगा। किसी जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। उस्मान, झूठ जहां खत्म होता है सच वहीं से शुरू होता है। ये धोखा देने या फरेब देने का वक्त नहीं है। अब हर कोई सच जरूर देखेगा।